ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੋਭੀ, ਸਰੋਂ, ਪਾਲਕ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੇਥੀ ਮੁੱਥੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ देखो ये पालक पालक रह गई, तो गोभी का साग रह गया, गोभी सरों का साग, तो सरों का साग आपने कट के पाता, तो हम आप गोभी सरों का साग पावे। ये साग बहुत मुलायम बनता है जो गोभी सरों का साग। घुलता बहुत वधिया। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗਿਆ ਨਾ।
और ये ना एक मतलब ग्रुप च मेरा नंबर ऐड करना हाँ तो है दीदी मेरे को चैनल बनाना है विक्की तेन की गल कही है मैं दे दी मैनू अंतिम मद नहीं लिया मेरे न बस कहते खर्ची फेर रहे हैं जी खर्चा फिर तो मैं सारा कुछ चक्कर मैं दस दी आ रही पूछ ला तकरीबन रिजी चुके आलन बाकी हां जी साडा साग हूं तकरीबन रिजी चुके हां जिम्मे की तुम देख सकते हो अपना साग तकरीबन रिझी चुके है बस तकरीबन दस बीस मिनट होर लगन गए तकरीबन आलन च फिर इस तू बाद आलन पा अपना साग तड़का ला के लैके खाने फिर अपना खा सकते हां जिम्मे की तुम देख सकते हो अपना साग तकरीबन रिझी चुके है बस तकरीबन दस बीस मिनट होर लगन गए तकरीबन आलन च फिर इस तू बाद आलन पा फिर अपना साग तड़का ला के खा सकते